राम को अपने हृदय में वक्षस्थल में विराजित करके यह दिव्य कथा का रसपान करना चाहिए। और देखो हम तो चौकी पे बैठे हैं, है ना, तो जो चौकी पे बैठता है उसको क्या कहते हैं, चौकीदार, और जो कुर्सी पर बैठते हैं वो उससे भी नीचे की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो जमीन पे बैठते हैं उनको क्या कहता है, जमींदार। तो चौकीदार बड़ा है या जमींदार बड़ा है, जमींदार, पहली बात। दूसरी बात, ये कुर्सी किसी की दी हुई है ना, ये अभी है, थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगी, ये कोई देगा तब हम बैठेंगे। तो ऐसी जगह बैठो जहां कोई न कहे उठो। कई बार देखते हैं आपसे कोई श्रेष्ठ जन आएंगे तो आपसे आपको कुर्सी उठा करके आपको जमीन पे बिठा देंगे, और अगर व्यक्ति को अपनी सचमुच में ऊंचाई देखना हो तो ये मेरी ऊंचाई नहीं है जहां मैं बैठा हूं, ये सिंहासन की ऊंचाई है और ये सब दिन नहीं रहने वाली है मेरे साथ, ये सच्चाई है। इसीलिए सत्ता कुर्सी ये सब दिन रहने वाली नहीं है। तो व्यक्ति अपनी ऊंचाई का वस्तुता तब पता चलता है जब वो जमीन पे बैठता है कि मेरी ऊंचाई वस्तुता कितनी है। तो सबसे उत्तम श्रोता उसको बताया गया है जो जमीन पे बैठ करके कथा का रस स्वादन करे। दूसरी बात, आजकल देखते होंगे कथा के लिए कैसे लोगों के मुख से कथा का रस स्वादन करना चाहिए। आजकल हमारे समाज में एक होड़ चल गया है कि हमारी बिटिया हमारी बहनें भी कथा करने लगी है, और आजकल लोगों को बहुत भाता भी है ना, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आपने पूर्व काल में कभी नहीं सुना होगा कि किसी माताएं बहनें व्यास पीठ पर बैठ करके, हां प्रवचन कर सकते हैं, सदुपदेश दे सकते हैं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके कथा करना हमारा शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि यह व्यासपीठ कोई साधारण नहीं है। नारायणम नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। यह व्यास का जो पीठ है, इस पीठ की गरिमा है महाराज, और इस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति को नियम और संयम से रहना पड़ता है। जब तक कथा करेंगे तब तक जमीन पे सोना पड़ता है, आहार की शुद्धि रखनी पड़ती है, ये नहीं जो पाया सो पा लिया, आहार की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि जब व्यास रखे तभी जाकर के व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। और जो हमारी माताएं बहनें बिटिया लोग कथा कर रही हैं, वो जब तक रजस्वला नहीं होती है तब तक तो वो कर सकती है, लेकिन रजस्वला होने के बाद व्यास पीठ पे बैठना, क्योंकि आजकल देखते होंगे नीचे पट्टी में चलता रहता है, 5 से 12 तारीख तक यहां कथा, फिर 13 तारीख से 20 तारीख तक वहां कथा, 20 तारीख से बाद फिर वहां कथा, तो उसमें अशुद्धिया का भी समय आ जाता है, और जब अशुद्ध अवस्था में होते हैं उस समय व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे भगवत रूपी ग्रंथ का, या श्रीमद् भागवत हो या श्री रामचरितमानस हो, ऐसे ग्रंथों का नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर कथा करने वाला ब्राह्मण हो महाराज, सन्यासी हो, तब तो कथा श्रोता को के लिए अहोभाग्य है। ब्राह्मणों के मुख से
जो वेद मंत्र निकलते हैं, जो महर्षि वेद व्यास जी ने रचना किया है, और जब ऐसे ग्रंथों की हम रसस्वादन करते हैं तो परमात्मा की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी भक्त राम कथा को श्रवण करता है उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर जीवन में कोई व्याधि है, बाधाएं हैं, तो कथा के श्रवण मात्र से उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है, बशर्ते उसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए और भक्ति और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को, जाके कृपा लवले सते, मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ की रचना किया महाराज, तो बनारस के पंडितों ने, वहां के जो विद्वान थे भगत जी, उन्होंने इसको ग्रंथ मानने से मना कर दिया। तुलसीदास जी को आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे प्रभु राम, अब आप ही कृपा निधान है, आप ही कृपा करें और आप ही विचार करें। तब वहां के पंडितों ने कहा कि ऐसा है, इसका विमोचन अगर कोई करेंगे तो भगवान विश्वनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो संस्कृत है नहीं, ये तो अवधि भाषा में लिखा गया है, और हम पंडित लोग, विद्वान लोग इसकी मान्यता तभी देंगे जब ये संस्कृत में लिखा हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जैसी काशी विश्वनाथ की अनुकंपा हो, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वहां के पंडितों ने सारे ग्रंथ को जो है वह एक साथ रख करके और श्री रामचरितमानस को नीचे रख दिया।